अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। सुबह जल्दी उठ करके अम्मी और मैंने दोनों ने फज्र की नमाज़ अदा की थी। नमाज़ अदा करने के बाद सूरह यासीन पढ़ी और मैं छत पर आ गई थी। सोचा चलकर देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है, और बिल्कुल ज़्यादा अंधेरा नहीं था, काफ़ी उजाला हो चुका था। और पता नहीं कैसे इन शैतानों के नानाओं को पता चल गया था कि बाजी उठ गई हैं, और सारे के सारे मुझे देख कर फ़ौरन नीचे आने के लिए रेडी थे। लेकिन ये पहले ऊपर से देख रहे थे कि ये कौन है, मैं ही हूँ या कोई और है, क्योंकि मैंने चादर ओढ़ रखी थी, नमाज की चादर ओढ़ी हुई थी। अभी इतनी ठंड नहीं है कि आप चादर वगैरह ओढ़े, मौसम अभी गुलाबी है। वैसे मैं इतनी जल्दी सुबह मॉर्निंग में ऊपर नहीं आती हूँ, इसीलिए ये सोच रहे थे कि ये कौन है, क्योंकि ये अगर हम ऊपर आएंगे ना तो ये हमारे पीछे पीछे फिर नीचे आ जाते हैं और बहुत तंग करते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे ताकि चाय बना लूँ, तो अम्मी ने मना किया था कि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। और सिद्रा और मैंने सोचा कि अभी इतनी जल्दी सिर्फ ऐसा करते हैं, आधा आधा कप चाय ले लेते हैं, फिर बाद में नाश्ता करेंगे सही से। तो बस मैंने ना एक रोटी बना ली थी, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही थी, मैंने रात में ज़्यादा सही से खाना नहीं खाया था, और उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया था जो मेरा फेवरेट है। और फिर मैंने ना बस आधा कप चाय अभी पी थी, फिर हमने बाद में अच्छे से नाश्ता किया था। मानो रात में छत पर ही रहना पसंद करती है, वो नीचे नहीं आती है। और रात में ना उसकी किसी बिल्ली से लड़ाई हो गई थी, और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी थी, और उसको अंदरूनी चोटी भी थी कुछ, तो इसीलिए सिद्रा ने उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया था कि वो थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पी लेगी तो उसको दर्द में भी कमी आएगी उसकी, और उसके जो ज़ख्म हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हल्दी वाला दूध पीता देख करके ना बच्चे भी आ गए थे उसके कि हम भी पी कर देखेंगे ये क्या चीज़ है, क्योंकि जैसे इंसान के बच्चे होते हैं ना, सेम वैसे ही जानवर के बच्चे भी होते हैं। और वो जैसे इंसान के बच्चे ज़िद करते हैं अपनी माँ को कोई चीज़ खाते देख कर कि हम भी खाएंगे, वैसे ही ये भी कर रहे थे। और मानो ना बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करती है कभी कभी, तो उसने भी छोड़ दिया था दूध अपने बच्चों के लिए और खुद हट गई थी, जैसे कि इंसानी माँ एक अपने बच्चों के लिए सब छोड़ देती है। सिद्रा चाह रही थी कि उसको ना सरसों का तेल और हल्दी लगा दे, क्योंकि बीटारिन ख़त्म हो गई थी, और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जो भी अगर कहीं भी ज़ख्म होता है किसी जानवर के, अगर आप हल्दी और उसमें सरसों का तेल मिलाकर लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दो तीन बार ट्राई किया लेकिन मानो नहीं लगवा रही थी, लास्ट में वो समझ गई कि ये कुछ करना चाहते हैं, और उसने फिर लगवा ही ली। तो मानो का ट्रीटमेंट करके हम आ गए थे नीचे, सिद्रा लग गई थी अपने क्लीनिंग के काम में, और मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने में आज बन रहे थे शामी कबाब। और जो शामी कबाब तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं तो। और मैं अम्मी की रेसिपी फॉलो करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि जब कीमा अगर हाफ़ के जी है तो उसमें बहुत थोड़ी सी चने की दाल ऐड करिए, अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो बस मैं वही फॉलो करती हूँ, मैंने सिर्फ दो मुट्ठी चने की दाल डाली थी हाफ के जी कीमे में, और साथ में ऐड की थी 7-8 लाल मिर्चें, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और गरम मसाला। गरम मसाले में हम ऐड करते हैं दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, दो तीन लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक डाल करके हमने उसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाला था और बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने अम्मी को दी थी चॉप करने के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, क्योंकि जब भी चॉपिंग का काम होता है ना तो ये अम्मी अच्छा सा कर देती हैं, बिना चॉपर के भी अम्मी इतनी अच्छी चॉपिंग करती हैं कि लगता है कि बस चॉप कर दिया हो चॉपर में। और साथ में मैंने सैलड बनवा दी थी खीरे और प्याज का, प्याज हम लच्छे वाली काटते हैं और उससे बहुत ही टेस्टी लगती है, और मैंने हरी मिर्च की चटनी अलग से बना के पहले से रखी हुई है। 7-8 सीटियाँ लगने के बाद कीमा बहुत अच्छे से गल गया था, तो फिर मैंने इसे जार में डाल करके पीस लिया। और कीमा पीसने के बाद मैं इसे ले आई थी लिविंग रूम में, मैंने सोचा यहीं पर बैठकर आराम से मैं इसकी जो है शामी टिकियां बनाऊंगी, क्योंकि अगर खड़े खड़े ज़्यादा देर तक काम करो तो बैक पेन होने लगता है, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बैठ जाइए। तो मैंने ना किचन में तो कोई बैठने का सिस्टम किया हुआ नहीं है, तो मैं लिविंग रूम में आकर ही ये सारे छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ कभी कभी, जब मुझे लगता है कि अभी कोई आने जाने वाला नहीं है। और ये टाइम ऐसा ही था कि अभी कोई आने वाला नहीं था, तो मैंने आराम से बैठ करके सारी टिकियाँ बनाई। और बैठ कर काम करने से ना हम थकते नहीं हैं, अब किचन में खड़े खड़े काम करने से बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, और हम थोड़ा सा काम करते हैं और लगता है हमें हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया।
कबाबों की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी कि भूख मुझे बहुत तेज़ी से लगने लगी और मैंने फटाफट सीखते ही सबसे पहले एक कबाब ट्राई किया कि देखूं कैसा बनता है। बहुत ही मज़े के यमी कबाब बने थे। वैसे तो मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, सोचा कि इसे मैं यहीं एंड कर दूं क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो आप लोग वेट कर रहे थे। वरना मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना रही हूँ DIY करके, जो हज़ारों रुपए की है और मैं घर में बिल्कुल फ्री में बना रही हूँ, और अगर आप पैसे भी खर्च करेंगे तो बहुत कम पैसे में बन जाएगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने वाले पूछेंगे कि भाई ये कैसे बनाया, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सभी को लगता होगा कि उनके घर में एक ऐसी चीज़ ज़रूर हो। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक शानदार सा आइडिया मिल सके। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वाला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर इस नए DIY वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।